हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाट पर रानी। जो रानी शब्द है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है? तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए इन तक, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि देवरिया से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पे भाट पर रानी स्थित है। भाट पर रानी काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पे कॉलेज, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल और भी काफ़ी कुछ ऐतिहासिक और इमारतें मौजूद हैं। लेकिन जो रानी शब्द है, आखिर इसके पीछे का राज क्या है? तो दोस्तों, यहाँ पे भाट पर रानी में रानी नाम का पोखरा मौजूद है। आज की इस वीडियो में मैं वही पोखरा दिखाने वाला हूँ। लोग बताते हैं कि यहाँ पे रानी साहब आती थी, जो मझौली राज है वहाँ की रानी यहाँ पे आती थी, और रानी से संबंधित यहाँ पे कुछ पोखरा उपलब्ध है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग भी बोलते हैं कि यहाँ पे रानी जी आती थी नहाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि रानी जी आती होंगी उतना दूर से नहाने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को रानी पोखरा, इस वीडियो में रानी जी का पोखरा दिखाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए इन तक। और यह देख सकते हैं फ्रेंड, यह है भाट पर रानी का मार्केट का सीन। अगर साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी मझौली राज और भाट पर रानी से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक की कहानियाँ हैं, क्यों जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, रानी जी का पोखरा, वह काफ़ी अच्छा टूरिस्ट पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो में दिखाते हैं आपको। अगर वीडियो बनाते समय किसी प्रकार की कोई गलती हो तो छोटा भाई समझ करके क्षमा करने का कष्ट करें। वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव गुप्ता मंटी और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, मैं हूँ इस समय भाट पर रानी में, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे, ये लोग बताते हैं ये रानी जी का पोखरा है। प्राचीन समय में जो मझौली राज के राजा रहते थे, और यहाँ पे जो है रानी जी आती थी नहाने के लिए। तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको पूरा यहाँ का व्यू और चारों तरफ का नज़ारा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा पूरा सीन, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा व्यू, देख सकते हैं। और आइए चलिए दिखाते हैं बैक कैमरे। सो फ्रेंड, देख सकते हैं ये है गेट, और चलिए चलते हैं अंदर। अंदर का पूरा सीन दिखाते हैं आपको, और देख सकते हैं फ्रेंड, ये है गेट, और चारों तरफ से बाउंड्री किया गया है। तो फाइनली दोस्तों, हम आ चुके हैं अंदर जो रानी जी का पोखरा है, और यहाँ पे एक रेड कलर का झंडा लग दिखाई दे रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे एक नींब का वृक्ष, जो कि काफ़ी शांत माहौल में, यहाँ ठंडा ठंडा हवा आपको फीलिंग होगा। यहाँ पे जो भी हमारे दोस्त आए हैं यहाँ पे बैठे हैं, और आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हवन कुंड देख सकते हैं दोस्तों। और इतना गंदा है जो पोखरा है, बहुत ही गंदा है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊँगा वो भी चीज़। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मंदिर है, और यहाँ पर एक भाई हैं बैठे हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू चारों तरफ का। वैसे लोकेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो यहाँ की साफ़ सफाई है वो काफ़ी, मतलब बिल्कुल बेकार है। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का चारों तरफ का सीन। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये रहा पूरा सीन, और यहाँ पे है जो दो नल है, और यहाँ पे पाइप, ये है मंदिर, छठ माता मंदिर, और यहाँ पे बाबा, ओए बाबा, रानी जी का पोखरा। अच्छा, अरे रानी जी नहाया तर लिखा। हाँ, खनोइले रही हो कहाँ? वहाँ छोटी गंडक में नहा, हाँ,
अच्छा मझौली राज्य में। अच्छा, यहाँ पे मछली मारे हैं बाबा जी, देख सकते हैं फ्रेंड, मछली भी मारे हैं, गरई मछली आई था। हाँ हाँ देख सकते हैं, इतने कड़ाके की धूप में मछली मारे हैं। और ये रहा पूरा सीन, साफ सफाई के कोनो व्यवस्था नहीं का, साफ सफाई के बनता। हाँ पहले ना बन रहा लका सीढ़िया, तो ये सीन देख सकते हैं, मतलब अभी बन रहा है, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बरसात की वजह से थोड़ा यहाँ पे जो है साफ सफाई नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था रानी जी का पोखरा, रानी पोखरा के नाम से ये जाना जाता था, जो कि भाटपा रानी में स्थित है। और दोस्तों मुझे जितना जानकारी है मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर छठ महापर्व के दिन काफ़ी भीड़ लगता है, और यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पे मंदिर भी है, मैंने आप लोग को पूरी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश की है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।